इस्कॉन मुरादाबाद द्वारा फूड फॉर लाइफ कार्यालय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की विशेष अनुकंपा से इस्कॉन मुरादाबाद प्रबंधक उज्जवल सुंदरदास के मार्गदर्शन में पीएससी तिराहे पर अन्नदान सेवा का शिविर लगाया गया। शिविर में राह चलते राहगीरों को बड़े उत्साह से हरिनाम संकीर्तन के साथ खिचड़ी के प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर इस्कॉन द्वारा पीएससी तिराहे पर किए जा रहे अन्नदान सेवा के कार्य को सराहा गया। इस अवसर पर अन्नदान सेवा शिविर पर पहुंचकर जरूरतमंद और भूखे राहगीरों ने बड़ी श्रद्धा के साथ खिचड़ी के प्रसाद का सेवन किया और अपनी भूख शांत की। अन्नदान सेवा कार्य में लगे श्री हरि के भक्तों ने राह चलते राहगीरों को रोक कर उनको भोजन ग्रहण कराया, साथ ही संदेश दिया कि ईश्वर ने अगर हमें सुखी और समृद्ध बनाया है तो हम भी ईश्वर द्वारा आशीर्वाद रूपी दिए गए जीवन में गरीब बेसहारा और जरूरतमंदों की सेवा कर ईश्वर का धन्यवाद दें। साथ ही कहा गया कि सभी संभ्रांत समृद्ध नगरवासियों से निवेदन है कि वो इस्कॉन द्वारा किए जा रहे अन्नदान कार्यक्रम में सहयोग देकर पुण्य के भागीदारी बने। कार्यक्रम के बारे में इस्कॉन मुरादाबाद प्रबंधक उज्जवल सुंदरदास द्वारा समस्त महानगरवासियों से विनम्र निवेदन करते हुए क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। खिचड़ी वितरण का प्रसाद वितरण किया जा रहा है, ये कहाँ पर गया है, किसके द्वारा किया जा रहा है? ये हमारा इस्कॉन फूड फॉर लाइफ प्रोजेक्ट है। पूरे दुनिया में मंदिर के आसपास भी हमारा बात का मिशन है कि मंदिर के आसपास सारे लोगों को भोजन दिया जाए। मदद करिए, अन्न का दान कर सकते हैं, चावल है, दाल है, गेहूँ बनाता है, कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रबंधक उज्जवल सुंदरदास, विद्वान गौरंग दास, श्याम कुमार, मोहित अग्रवाल के साथ साथ इस्कॉन मुरादाबाद से जुड़े भक्तों ने अपना पूर्ण सहयोग देकर धर्म लाभ अर्जित किया।